सबके लिए ये संदेश है कि हमें जो पैसे हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए और उनको फालतू की ये जो चढ़ोतरी हम यहाँ वहाँ करते रहते हैं और जो हम भ्रष्टाचार करते रहते हैं इसको उसकी जगह अच्छे कामों में लगाना चाहिए। सागर के शासकीय बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में बायोलैब इंचार्ज डॉक्टर सुमित रावत ने क्रिसमस डे के दिन बच्चों को पैसे और गिफ्ट बांटी और फिर देखते ही देखते डॉक्टर सुमित का सांता क्लॉज रूपी यह रूप चर्चा का विषय बन गया। इन्होंने काफी समय बच्चों के बीच बिताया। सांता क्लॉज के रंग में रंगे डॉक्टर साहब ने दरअसल एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं डॉक्टर सुमित रावत ने यह बात साफ कर दी कि पैसे बांटना है तो ऐसी जगह लगाओ जो जरूरतमंद है या फिर मुस्कान देने के लिए पैसे बांटे जाएं, गलत काम और भ्रष्टाचार के लिए नहीं। ये सबके लिए ये संदेश है कि हमें जो पैसे हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए और उनको फालतू की ये जो चढ़ोतरी हम यहाँ वहाँ करते रहते हैं और जो हम भ्रष्टाचार करते रहते हैं इसको उसकी जगह अच्छे कामों में लगाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो है ना घूम फिर के वो यहीं आता है। तो हमें कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ना चाहिए, क्योंकि आप क्या यहाँ भेजेंगे फिर वहाँ से वो कहीं और ऊपर जाएगा, फिर पता नहीं कोई नेताजी के पास जाएगा, फिर नेताजी चुनाव लड़ेंगे, फिर वो घूम फिर के वहाँ आएगा। तो इतना लंबा चक्कर चलाने की बजाय जो है वो जाते में भी बार बार बीच बीच में उसमें कटिंग होती जाती है, लौटते में भी कटिंग होती जाती है। एक वो कहावत थी कि एक रुपया चलता है तो 10 पैसा पहुँचता है, तो मेरा ये है कि वो 1 रुपये 10 पैसे क्यों बचे, पूरा का पूरा 1 रुपये यहीं लगा दिया जाए। मेरा एक ये प्रयास है कि वो तरीके अगर आप बात करें तो क्या वो तरीके सही होते हैं? किस तरीके की बात कर रहे हैं? मतलब जो अंडर द टेबल चलता है और जिसमें लोक आयोग की कार्रवाई होती है और सब होता है, क्या वो सब तरीके सही है? हम आपको यहां बता दें कि सोशल मीडिया पर डॉक्टर सुमित रावत ने एक पोस्ट डालकर साफ कर दिया था कि अब इन्हें पदोन्नति नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार इन डॉक्टर साहब से मांगी गई रिक्वायरमेंट के बाद भी पदोन्नति नहीं दी गई। दूसरी तरफ इस शासकीय बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हुए प्रमोशन सहित कुछ भी ठीक नहीं रहता आया है और प्रमोशन के मामले में एक कथित वायरल आडियो ने यहाँ के डीन की कार्यप्रणाली को लेकर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि डीन के अलग होते ही धीरे धीरे बीएमसी में सुधार आ जाएगा, इसलिए सांता क्लॉज की अब जरूरत महसूस की जा रही है। लेकिन सांता क्लॉज की भूमिका में कौन सामने आएगा जो बीएमसी को एक बार फिर से सीधे रास्ते पर चला सके?